हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैनेजमेंट सेंटर बाय सुनील ठाकुर में आप सबका स्वागत है। साथ ही साथ आज बिहार दिवस है तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो मैं टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है विजन 2040 मिशन ऑफ बिहार। जी हाँ, मैं यह टॉपिक एक्चुअली बाद में बनाने वाला था लेकिन अचानक बिहार दिवस आज गया और कुछ ऐसी बिहार में चर्चित आजकल चल रहे हैं तो मैं यह टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। टॉपिक मैंने सोचा था कि चलिए डिजिटल बोर्ड लेके आऊँगा, उसके बाद इस टॉपिक को लेके आऊँगा, लेकिन जितना लेट होता उतना विजन में लेट हो जाता। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं बिहार के बारे में और बिहार को डेवलपमेंट के बारे में, बिहार कैसे आगे तेजी से ग्रोथ करेगा उस पॉइंट पे बात करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन जो लो लिटरेसी रेट है बिहार का, आज मैंने सर्च किया था गूगल में तो उसने बताया था 72.9%। जी हाँ, पहले इससे भी कम था, अभी कुछ बढ़ा है। महिला का हालांकि बहुत कम है, 53.57 फीमेल है का जो ग्रोथ रेट है काफ़ी कम है दूसरे स्टेट के मुकाबले में, और पुरुष का जो है 70% है। तो फिर भी अगर देखा जाए तो शिक्षा के ग्रोथ में अच्छा बिहार ने विकास किया है। आने वाला 2040 तक उम्मीद है कि बहुत अच्छा विकास होगा। हालांकि एजुकेशन मतलब लिटरेसी देखना और एक शिक्षा प्राप्त करना, दोनों में काफ़ी फर्क है। अभी जो बिहार के लोग हैं जिसे मेन शिक्षा कहा जाता है अभी भी 10% पे अटके हुए हैं। कहा जाए कि सिर्फ लिखना पढ़ना और सिग्नेचर करना और थोड़ा सा कहीं पे जॉब कर लेना, उसी को शिक्षित नहीं कहा जाता है। किसी भी सब्जेक्ट में आप जब तक लास्ट तक नहीं पहुंचते हैं वह शिक्षा मतलब कि सही से अनुग्रह नहीं हो पाता है तो वो शिक्षित नहीं कहलाता है। लिखना पढ़ना आपको आ गया, थोड़ा बहुत कहीं जॉब कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन किसी भी फील्ड में आपको मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी में हैं, इंग्लिश में हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आजकल का जो बिहार का वातावरण चल गया है कि सरकारी नौकरी लेना, IAS में जाना, IPS करना, चलिए वो सब ठीक है क्योंकि कमाना खाना अच्छा है, लोगों को चेंज हो जाता है, गरीबी से निकलते हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही आज के डेट में बिहार के विकास में माना नहीं जाएगा। अगर आप बिहार में रहते हैं, बिहार के निवासी हैं, तो कुछ अलग स्तर से आपको सोचना होगा बिहार के विकास करने के लिए। पहले बिहार बहुत ही अच्छा राज्य था, आज भी अच्छा राज्य है ऐसा नहीं है, लेकिन विकास कुछ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होने के कारण विकास का बिहार का जो विकास है वो रुक गया है। उसको आगे धीरे धीरे धीरे, हालांकि नीतीश बाबू बहुत अच्छे काम किए हैं, रोड पर भी कुछ इंडस्ट्रियल एरिया भी आज आई है, लेकिन थोड़ी सी से क्या होने वाला है, कुछ और आना चाहिए। तो सबसे पहले सुधार, आप लोग अब जिस भी एरिया में हैं, जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके अंत तक जाइए, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, उससे आपकी एक अंदर की नॉलेज बढ़ेगा, एक अंदर की गुण आएगा। हालांकि आज के डेट में बेरोजगारी का दौर है, लोगों की पैसे की ज़रूरत है, बहुत पहले नौकरी करने लगते हैं, कीजिए और करते करते पढ़ाई भी जारी रखिए। दूसरा क्या है कि स्ट्रीम चूज केयरफुल, और ऑनर्स पेपर या मेन सब्जेक्ट जो है वो केयरफुल्ली आप उसको चूज करें। कारण क्या है कि आप 10th पास लोग करता है तो आर्ट्स में जाए, कॉमर्स में जाए, साइंस में जाए, यह बहुत ही आज के डेट में इम्पोर्टेंट बना हुआ है। एक हवा बना हुआ है साइंस ले ले, वो जा रहा है साइंस में तो मैं भी साइंस ले लूँ, वो जा रहा है आर्ट्स में तो मैं भी आर्ट ले लूँ, लड़कियाँ हैं तो चलो आर्ट्स कर में पढ़ाई कर लेते हैं, ये सब बिल्कुल हवा गिरी अभी बंद कीजिए। आपको जिस सब्जेक्ट में अच्छा लगता है पढ़ना उस सब्जेक्ट को लीजिए, तो जा करके आपका विकास होगा। यही चीज़ 3 Idiots फिल्म में भी दिखाया गया था। तो जो भी आप स्ट्रीम लेते हैं उसको आप अच्छे से ले और अपने अनुसार ले, ऐसा ना हो कि आपके पापा बोल दिए, मम्मी बोल दिए, भैया बोल दिए, तो उसके हिसाब से चूज करें। आगे इसी में जब आपका मान लीजिए कि 12th पास कर गए अच्छे नंबर से, तो आपको डॉक्टरी करने का मन है तो बायोलॉजी मतलब कि जो नीट का तैयारी होती है होता है उसमें आप जाते हैं, या फिर इंजीनियरिंग करने का आपको मन करता है तो आप मैथ से IIT की तैयारी करते हैं, तो ये सब आप करिए। लेकिन मान लीजिए कि अभी भी बहुत सारे ऐसे गरीब छात्र हैं जिनको पैसा की मतलब कि उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो लोग मैथ से ग्रेजुएशन करने लगते हैं, बायोलॉजी से ग्रेजुएशन करने लगते हैं,
जो जिस दोस्त में जिस फील्ड में दोस्त जाते हैं उसी फील्ड में वो भी चले जाते हैं, एकदम ये सब चीज रोकिए। अगर वहां पे आप कमजोर पड़ रहे हैं तो आप केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आगे चल के फ्यूचर में IAS IPS से भी ज्यादा पैसा देगा। अगर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट को मजबूत बनाएंगे तो बहुत ही आगे चल के आपको भी फायदा होगा और एक राज्य को भी फायदा होगा। केमिस्ट्री विज्ञानों का विज्ञान माना जाता है। केमिस्ट्री पढ़ के आप साइंटिस्ट बनिएगा, अच्छे केमिकल कंपनी में आपका जॉब होगा, अच्छा आर्थिक विकास होगा आपका और आपका राज्य का। तो केमिस्ट्री लिया जाए, हालांकि केमिस्ट्री को बिहार में ऐसा मतलब कि छुपा दिया गया है कि लोग वहां ले नहीं पाता है, या तो मैथ ले लेगा, नहीं तो बायोलॉजी ले लेगा, नहीं तो हिस्ट्री ऑनर्स ले लेगा, ज्योग्राफी ऑनर्स ले लेगा। IAS IPS बनने के चक्कर में सारा एजुकेशन सिस्टम उसके अंदर पूरे फैमिली में खराब हो जाता है। तो जो आपको अच्छा लगता है या तो वो लीजिए। अगर आप कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं, साइंस से 12th पास कर गए हैं, तो आप केमिस्ट्री लीजिए, एकदम बेटर फ्यूचर ब्राइट है इसमें, बहुत ही बढ़िया होगा आपको चल के आगे चल के। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया हूँ तो मैं एक आपको एडवाइस दे रहा हूँ। हालांकि आपकी मर्जी है, आप जो भी सब्जेक्ट लीजिए वो आपकी मर्जी है, और जो आपको करना है किसी कॉमर्स से क्या होता है कि आप एक आगे चल के अच्छा बैंक में लेखा जोखा में आप काम कर सकते हैं, एक कर्मचारी बन सकते हैं। आर्ट्स में आप एक अच्छा जज बन सकते हैं, अच्छे मतलब कि जो भी आगे IAS IPS बनना होगा वो सब बन सकते हैं। लेकिन जो मेन शिक्षा, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जो मेन शिक्षा ग्रहण करना होता है जो साइंस के अंदर या फिर मैथ्स IIT में आप जाते हैं वो, या फिर दूसरा केमिस्ट्री, मतलब आपको बहुत ही आगे एक राज्य के विकास के लिए केमिस्ट्री का लड़का वहाँ केमिस्ट्री का एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। तभी तो आप केमिकल कंपनी में आप एक अच्छा जॉब दे सकते हैं या फिर आप उसमें करियर बना सकते हैं, आगे चल के बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत अच्छा होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है हेल्प ऑफ एजुकेशन प्लेस। मान लीजिए कि आप पैसे वाले हैं, आप तक वीडियो पहुंच गया है, तो कुछ आप कंप्यूटर स्कूल में लगाइए, कुछ स्कूल को फंडिंग कीजिए जहाँ प्राइवेट कोचिंग होगा चाहे प्राइवेट स्कूल होगा उसको कुछ मदद कीजिए, जहाँ पे भी आपका जो नॉलेज है कुछ पढ़ा दीजिए, जो भी आपसे मदद होगा तो उस जगह को आप मदद कीजिए, आगे चल के ऐसे बच्चे ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करेंगे। चौथा है चेंज एटीट्यूड। आप अपना बिहेवियर एकदम चेंज कीजिए कि हमको सरकारी नौकरी लेना है, IAS में जाना है, IPS में जाना है, सरकारी नौकरी करना है। एटीट्यूड एकदम बदल दीजिए। कास्टिज्म जातिवाद होता है उसको बदल दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये सब पर दिमाग ज्यादा मत लगाइए, अपने पढ़ाई पे आगे क्या करना है, आपको बिहार के लिए क्या करना है, आपको खुद को क्या करना है, ये सब पर ध्यान दीजिए, एटीट्यूड को चेंज कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा मैं तो कहूंगा कि जो 65-40 साल और 50 साल की उम्र वाले हैं उनका सलाह कम लीजिए। आजकल YouTube का जमाना है, वहाँ से अच्छे अच्छे सलाह आपको मिलेंगे, वहाँ से सलाह लीजिए, आपको जरूर बेटर मिलेगा आगे करने के लिए। पंचवा है जियोग्राफिकल एडवांटेज। जी हाँ, लोग बोलते हैं कि बहुत डिसएडवांटेज है, ऐसा नहीं है। बिहार का जो जियोग्राफिकल एरिया है, हालांकि थोड़ा सा लॉक लैंडेड है एरिया, लेकिन जियोग्राफिकल भी अगर माने जाए तो बहुत ही अच्छा है। उधर से झारखंड, इधर से नेपाल, बीच में थोड़ा सा पानी आ जाता है, पानी कुछ समय के लिए आता है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुझको मालूम है यहाँ 6-6 महीना बारिश होते हैं फिर भी कंपनी बंद नहीं होती है। तो इस पर बहुत सारा गवर्नमेंट अभी काम कर रही है, आगे चल के इसमें बहुत सारा मतलब सुधार आपको देखने को मिलेगा। आप अपना काम करते रहिए, जरूर आगे चल के ये सब चीज़ में थोड़ा सा आपको सुधार दिखना मिलेगा। आगे है वेलकम न्यू इंडस्ट्री या फैक्ट्री। आपके एरिया में जो भी इंडस्ट्री लगता है उसको आप काफ़ी स्वागत कीजिए, उसमें कुछ उपद्रव नहीं कीजिए। जो लड़का कुछ मतलब दबंगगिरी करता है उससे थोड़ा आप मतलब उसको समझाइए, दबंगगिरी मतलब न होने दे, आप शिक्षित होइए, उसको भी शिक्षा कीजिए। पहले जो कुछ दिनों पहले जो बिहार में कुछ फैक्ट्रियाँ लग रही थी, हालांकि वो अलग अलग लग गए थे, कुछ दरभंगा में लग गए, कुछ भागलपुर में, कुछ सारण में, ये ठीक है। लेकिन अभी जो जहाँ तत्काल मांग होनी चाहिए वो एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। मैं जहाँ तक बिहार का रिसर्च किया हूँ वो हाजीपुर से लेकर के एक बरौनी तक जो रेलवे लाइन जाती है उसके साइड साइड से बहुत ही इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। एक आंध्रावर के साइड में एक केमिकल कंपनी का प्लांट है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो उसी लाइन में अगर काफ़ी अगर सरकार ध्यान दे, और हाजीपुर में बहुत सारी फैक्ट्री बैठी है, तो हाजीपुर से लेकर के बरौनी रेलवे लाइन के बाजू से कुछ केमिकल एरियाज को मतलब कि बना दे, और जितनी भी फैक्ट्री इधर उधर छितराया हुआ है उस सबको एक इकट्ठा करे तो बिहार विकास बहुत आगे करेगा। रोड भी उधर से बहुत अच्छा आ रहा है, 6 लेन आ रही है जो बिंदुपुर का बन रहा है, बेगूसराय में भी रोड बन रहे हैं।
तो 2040 तक विकास बहुत बिहार करेगा। आप अपना जहां है वहां से अच्छा देने का कोशिश कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।